तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फोन फिक्स हैदराबाद। अभी जो फ़ोन है अपने पास रेडमी 9 पावर का फ़ोन है, तो देखेंगे इसके अंदर डेड कंडीशन में है। तो पहले जैसा चेक करेंगे डीसी क्यू कनेक्ट करके जो है इसको जैसा कनेक्ट कर दिए, तो यहाँ 0.0114 का जो है यहाँ क्या ऑटो एम्पियर ले रहा है। ये स्विचिंग के बाद नहीं ले रहा है, ये सीधा डायरेक्टली ले रहा है। मतलब जो है इस कंडीशन के अंदर जो है बोर्ड के अंदर शॉर्टिंग होगा। तो पहले ये देखेंगे मदरबोर्ड जो है, जो वीबैट की लाइन चेक करेंगे, वीबैट के अंदर कितना जीआर शो कर रहा है। बैटरी कनेक्टर के अंदर चेक कर लेंगे, यहाँ देखेंगे 450 जीआर शो कर रहा है। इसको जैसा रिवर्स करके देखेंगे, यहाँ देखेंगे 1600 का जीआर यहाँ शो कर रहा है। मतलब वीबैट की लाइन में तो शॉर्टिंग नहीं है, ये हो सकता है वीपीएच लाइन चेक करेंगे। यहाँ जैसा यहाँ गए तो यहाँ जो एसी दिख रहा है ये पीएमआई 632 और यह है इसका, यह है पीएमआई 632 का एसी लगा हुआ है, ये 902 वर्शन का। ये इसका वीपीएच की कॉइल है और इसके साथ में मिलेगा आपको एक सीरीज़ का कैप मिलेगा। यहाँ देखेंगे एक तरफ जो है यहाँ कितना बता रहा है, यह 74 का जीआर बता रहा है। एक बार इसको रिवर्स करके यहाँ भी चेक कर लेंगे, तो यहाँ देखेंगे ये बी बज रहा है। तो ये वाला लाइन जो है इसका जो है शॉर्टिंग के अंदर है। एक बार इस कॉइल को जो है पहले वीपीएच लाइन को कॉइल को जो है साइड कर लेंगे। तो जैसे कॉइल हटा दिए, तो कॉइल हटाने के बाद देखेंगे ये वाला लाइन के अंदर 77 का जीआर शो कर रहा है। और यहाँ रिवर्स करके देखेंगे अपन, तो यहाँ दो तरफ भी सेम रीडिंग शो कर रहा है। और यहाँ देखेंगे ये वाला लाइन के अंदर 428 का जीआर शो कर रहा है। और जैसा इसको रिवर्स करके देखें तो यहाँ ओएल बता रहे हैं। मतलब ये वाला लाइन के अंदर इसका शॉर्टिंग में पड़ा हुआ है। और यहाँ से हल्का जो है वोल्टेज को इंजेक्ट करेंगे थोड़ा रोजिन मार के। जैसा यहाँ रोजिन कर लिए, तो यहाँ देखेंगे 4 वोल्टेज और 5 एम्पियर जो है यहाँ इंजेक्ट कर रहे हैं। अभी जिस तरफ लाइन जो शॉर्टिंग बताया उसी तरफ अपने को वोल्टेज को इंजेक्ट करना है। यहाँ जो है अपने को जो एम्पियर ले रहा है, जो 0.0112 का एम्पियर बहुत हल्का सा ले रहा है, कोई भी पार्ट यहाँ आपको गर्म नहीं होगा। तो इस कंडीशन में जोड़ा है वोल्टेज को जो है थोड़ा बढ़ा देंगे, 6 वोल्टेज सेट करा मैं। और अभी यहाँ वोल्टेज को थोड़ा इंजेक्ट कर देता हूँ मैं, ठीक है। जैसा मैं वोल्टेज बढ़ा के दे दिया तो पहले तो जल रहा है यहाँ
पहले तो जैसा जल रहा है ये देखो, जैसा मैं वोल्टेज बढ़ के दे दिया तो पहले जल रहा है ये जो इसका प्रोटेक्शन वाला डायोड। तो पहले इस प्रोटेक्शन वाला डायोड को पहले हटा देता हूँ इधर से। जैसा इसको हटा दिए, अब हल्का से जो है यहाँ वोल्टेज को इंजेक्ट कर दिया हमें। और जैसा यहाँ वोल्टेज इंजेक्ट कर दिया तो यहाँ जो शॉर्टिंग हो रहा है एपीटी के पास शॉर्टिंग हो रहा है, ऑलरेडी कोई एपीटी के पास वर्क कर दिए। यहाँ देखेंगे एपीटी के पास हल्का सा मैं रोजिंग मारता हूँ, जैसा यहाँ मैं वोल्टेज को यहाँ इंजेक्ट कर दे रहा हूँ। तो एक बार के लिए यहाँ टचअप कर दिया तो आपको दिख रहा होगा एपीटी के पास जो है ये गर्म हो रहा है। ठीक है, अभी इसको एपीटी को जो है हटाएंगे। जैसा ए पी टू को हटा दिए यहाँ से तो चेक करेंगे जो है अपना जो 74 का जी आर शो कर रहा था वहाँ अपने को 251 जी आर इधर आ गया। अब इसको रिवर्स करके देखेंगे तो यहाँ मेरे को 1300 का जी आर आ गया। अभी बी पी एच के अंदर शॉर्टिंग तो अपना हट गया और अभी जो है बी पी एच कॉइल जैसा अपन निकाले थे उसको जो है सेम लगा देंगे इधर।
अभी जो है इसका अभी चेक करेंगे पावर की प्रेस करके। तो देखो अपना फोन जो है अभी ऑन हो गया। तो यहाँ देख सकते हैं फ़ोन अपना ऑन हो गया। VPS शॉर्ट है, ये बेसिक इशू है, मगर इसके अंदर जो है बहुत लो लीकेज ले रहा था जो VBAT के अंदर। तो जैसा VPS में जो शॉर्टिंग था, जैसा VPS में हम जो चार वोल्ट इंजेक्ट कर रहे थे, वहाँ भी जो है ये लो लीकेज के अंदर ही था, 0.1014 का जो है। इस कंडीशन के अंदर मदरबोर्ड आपका कहीं हीट नहीं होगा, ताकि इस कंडीशन के अंदर कैसा वर्क करना है ये सारा चीज़ आपको सीखना है। लो लीकेज हटाना है और फॉल्ट फाइंडिंग करना है, लाइन चेकिंग करना है, ये सबका जो है आपको क्लास के अंदर यहाँ सिखाया गया था। अभी जो है हमारा बैच जो है 27 मई से स्टार्ट हो रहा है। न्यू बैच के अंदर अगर आपको ज्वाइन होना है तो ज्वाइन हो सकते हैं। यहाँ सारा कुछ चीज़ आपको बेसिक से सिखाया जाता, जो स्कीमेटिक डायग्राम, फॉल्ट फाइंडिंग, लाइन चेकिंग, ट्रेसिंग, सभी सारा चीज़ जो है, और हैंड स्किल के अंदर आपको बहुत सारा इजी ट्रिक बताएंगे। हैंड स्किल के अंदर ब्लैक पेशेंट कैसा करना है, बहुत इजी लेवल में ड्यूल टेकर कैसा करना है, और आपको जो ऑन मदरबोर्ड दिया जाएगा, ऑन मदरबोर्ड के अंदर आपको जो है IC रिमूव करके आपसे लाइव प्रैक्टिकल कराया जाएगा। इंडिया के अंदर कोई भी इंस्टीट्यूट आपको एक तरीके से काम नहीं सिखाता था कि स्टूडेंट को जो है सारा काम, अभी तक हम जो भी बताते हैं सारा स्टूडेंट का ही काम बताते हैं, स्टूडेंट का ही रिजल्ट बताते हैं, ताकि स्टूडेंट को ये होना चाहिए उन खुद काम करके जाना है यहाँ से, खाली तालीम मार के जाने का नहीं है यहाँ से। खाली सार काम करते हैं, चलो भाई एक आध फोन बता दिए, बहुत सारे स्टूडेंट के फ़ोन जो है ऐसे ऐसे फॉल्ट रहते हैं, उनको मालूम भी नहीं होता है, तो चलो बना देते हैं फ़ोन। मगर ये स्टूडेंट जो है अपने से कुछ करके जाते, अपने से कुछ बना के जाते, अपने से जो है हैंड स्किल बना के जाते, जो वो इंस्टीट्यूट में आप ज्वाइन करना है। थैंक यू फ्रेंड्स।